तस्वीरों के साथ हम करेंगे। नेपाल में होने वाली भारी बारिश के कारण बिहार की कई नदियां उफान पर है, निचले इलाकों में पानी भर गया है, उन इलाकों में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। कोसी तटबंध में 6000 से अधिक घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कोसी, तिलयुगा, बिहुल समेत कई नदियों के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है। वहीं बेतिया में 2 दिनों की बारिश से बूढ़ी गंडक, पंडई, हड़बोड़ा और द्वारदा मनियारी जिले के सभी नदियों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई गांव में बाढ़ का पानी घुस जाने के कारण ग्रामीण काफी परेशान हैं। पटना में भी गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और पटना के गांधी घाट पर लगभग 46 मीटर तक गंगा का जो पानी है वो पहुंच चुका है। वहीं बिहार में बाढ़ को लेकर 15 जिलों में अलर्ट जारी किया गया। जल संसाधन मंत्री संजय झा का मानना है कि केंद्र की अनदेखी की वजह से बिहार हर साल बाढ़ की त्रासदी को झेलता है। बड़ी खबर आपको बता रहे, बिहार में उफान पर कई नदियां, कोसी, गंडक, बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोसी बैराज से छोड़ा गया 2,24,000 क्यूसेक पानी। सुपौल में 6,000 घरों में घुसा बाढ़ का पानी। निचले इलाकों में बाढ़ का 6 से 7 फीट तक पानी पहुंच चुका है। गंगा नदी का भी लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बाढ़ को देखते हुए बिहार में 15 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोग किस तरह से परेशान हैं, बाढ़ के पानी में ही अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं ग्रामीण। बिहार और नेपाल के तराई में भारी बारिश की वजह से बिहार की नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंडक, कोसी और गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। शनिवार की शाम पटना के गांधी घाट पर लगभग 46 मीटर तक गंगा का जलस्तर पहुंच चुका है। वहीं आज पटना के दीघा घाट पर गंगा का जलस्तर 48.5 मीटर तक पहुंच चुका है। बिहार में बाढ़ को लेकर 15 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा का मानना है कि केंद्र की अनदेखी की वजह से बिहार हर साल बाढ़ की त्रासदी को झेलता है। केंद्र सरकार की इस वजह से बिहार प्रभावित होता है। बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में भारी बारिश की वजह से अब पटना में गंगा का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। वहीं अगर बात की जाए तो गंडक और कोसी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब पटना में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। शनिवार की बात की जाए तो लगभग 45 मीटर से ऊपर गंगा का जलस्तर पहुंच चुका था, वहीं आज पटना के दीघा घाट पर 48.5 मीटर जो है गंगा का जलस्तर देखा जा रहा है। एक तरफ जहां बारिश की वजह से लगातार गंगा, गंडक और कोसी सहित छोटी छोटी नदियों में जो जलस्तर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है उससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है, वहीं इसको लेकर बिहार में सियासत भी खूब हो रही है। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा ने हाई डैम की मांग को लेकर केंद्र पर निशाना साधा, तो वहीं केंद्र सरकार बिहार सरकार को इसका जिम्मेदार बता रही है। देखना यह होगा कि एक तरफ केंद्र और बिहार सरकार के बीच लगातार बिहार में बाढ़ को लेकर अनबन की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं बिहार सरकार एहतियात के तौर पर तमाम जिलों को अलर्ट पर रखी हुई है। इंतजार करना होगा केंद्र सरकार की तरफ से इस मसले को लेकर क्या कुछ बयान निकल कर सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ सनी, न्यूज टेट, पटना। नेपाल में लगातार बारिश के बाद कोसी नदी काफी ज्यादा उफान पर है। कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में नदी की सहायक नदियों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। वहीं तिलयुगा, बिहुल और खारू नदी में जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल जाने से इलाकों में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। रविवार की सुबह 8 बजे कोसी बैराज से 2,24,510 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज रिकॉर्ड दर्ज किया गया। नदी के जलस्तर में बराह क्षेत्र में बढ़ने के संकेत हैं। इधर कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने के साथ ही सुपौल के 5 प्रखंड में 120 गाँव के करीब 6,000 से अधिक घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं तटबंध के भीतर निचले
इलाकों में बाढ़ का पानी 6 से 7 फीट है, ऊंचे वाले इलाकों में 2 से 3 फीट पानी जमा हुआ है। के बाद पानी आया है, एकाएक पानी चला आया, सब घर में पानी घुस गया है, मवेशी और सब पानी में बना हुआ है और बच्चा सब है जो मचान में बैठा हुआ है। पानी लिया हमरा को सब कुछ भीज भाज गए, गठला तलुठला घर सब गिर पड़े, बाथरूम में घर पानी ढुक गए, हमरा को इकले वाला नहीं है कतो, मचान पर धिया पुता का बैठना चाहिए। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा जो विभिन्न पंचायतें जो प्रभावित हुई हैं, खासकर किशनपुर के पंचायत, मोजहा, बोराहा पंचायत, अन्य पंचायत, धोली पंचायत सरायगढ़ का और कुरन वगैरह पंचायत सुपौल का, वहाँ पे पानी घुस गया है लोगों घरों में। अभी हमारी सारी टीम लगी हुई है, अपर समर्था, अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सब घूम रहे हैं। बगहा में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जो फिलहाल आज सुबह ही रुक चुकी है। वहीं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल सहित पहाड़ों पर जमकर बारिश होने से पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। हालात ये हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में पानी भर चुका है। बगहा वाल्मीकि नगर मुख्य सड़क पर हरदिया चाती के पास सड़क पर पानी बह रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। वहीं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को पानी फैलने से जंगली जानवर पर बनाई है और हरनाटांड नौरंगिया दोनों वन सड़क पर जगह जगह नदियों का पानी फैलने से दोनों इलाकों के गांव का बहाव, वहीं बगहा अनुमंडल मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। लगा के पुल पार कर रहे हैं, क्या मामला है? इस पुल में क्षतिग्रस्त है, 3 साल से बोर्ड लगा हुआ है। इस पुल में हम लोग जान बाजी लगा कर आते हैं जाते हैं, और सिपुरवा गांव उधर 10 गांव जुड़े हैं इस पुल के अंदर। हम लोग का आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, जान के बाजी लगा कर हम लोग आते हैं जाते हैं, बहुत दिक्कत। पहाड़ से पानी मान ली आई बाद रोड पर बहुत है, सब जानवर निकल के बाहर भागता हूँ। सड़क पर भी पानी, सड़क पर भी पानी है सर। कब से मतलब पानी भरा हुआ है? आज 2 रोज हो गया, पूरा जंगल में पानी है। रौली कर रहे हैं हम लोग, चारों से बारिश से पानी हो गया, सब जानवर देख रहे हैं। और क्या स्थिति है जंगल का? जंगल की स्थिति ठीक है।